सर नमस्कार। सत साहेब जी। सत साहेब, क्या नाम है आपका? राजेश दास है जी, भिवाणी से। सर राजेश जी, आप हिसार आए हैं आज, भिवाणी से आए हैं, ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन किस लिए आते हैं यहाँ पर? हम जी मालिक को पाने के लिए आते हैं जी। हम पहले राम रहीम से जुड़े हुए थे जी। सर राम रहीम जी से कब जुड़े और कितने साल तक रहे? 26 साल जुड़े हैं जी, 26 साल तक जुड़े हैं। कौन से सन में नाम लिया था राम रहीम जी? 93 में जुड़े थे जी हम। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? हम 16 मार्च और 2019 को आया जी। देखिए सर, राम रहीम जी भी 2016 में जेल में चले गए थे और उससे पहले संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में ही हैं। तो सर, एक जेल वाले बाबा को छोड़कर दूसरे जेल वाले संत की शरण में आए, आखिर क्यों आए? इतने सारे बाहर घूम रहे, उनके शरण में चले जाते, ज़रूरी है कि ऐसा करना? हमारी बहुत लंबी कहानी है जी, मैं छोटा सा करके बताता हूँ कि राम रहीम का और हमारे जो गुरु जी रामपाल जी महाराज जी हैं, परम जो अपने मालिक हैं, उनकी लीला और उनकी लीला में दिन और रात का फर्क है। वो तो नाचने गाने वाले बाबा जी हैं और एक एक सेब संतरे टोकरी, वो हरी मिर्च प्याज, वो ढाई ढाई तीन तीन हज़ार की बेचते हैं और हमारे गुरुजी तो फ्री में भंडारा, और जो जो आने जाने वाले हैं ना जी, रस्ते में भी बांधते हैं उनका बेटा, ये ले जाओ और ये ले जाओ और ये ले जाओ, और दोनों हाथों से माया और सब कुछ और सारे सुख और दुख सारे अपनी तरफ तो ले लेते हैं, दुख और सुख देते हैं, बेटा तुम दुख लेते रहो। वो जेल में हमारे लिए हैं जी, गुरुजी जेल में नहीं है, जेल में तो हम लोग हैं जो कि आज जो यहाँ घूम रहे हैं। और राम रहीम तो अपने मौज ले रहा था जी, गाने गाओ था, नाचा था, लुगाइया गल कदे किसी हीरोइन ने लिया था, कदे किसी हीरोइन। हमारे गुरुजी तो साजबाज से भी दूर हैं। सर राम रहीम जी के पास आपने कई साल बिताए हैं, तो सर उनकी शरण में जब थे तब आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं मिला जी, मेरा 24 साल का बेटा था जी, और उसको ऐसे भूत प्रेत की आत्माएं होगी जी। हमारे गांव में कोट गांव पड़ता है जी, हमारे साथ में, वहां छड़े में 28 दिन में पाया था जी। 13 सेक्टर चौक की मैं रिपोर्ट दे रखी है, SP का रिपोर्ट दे रखी है, भिवाणी जाके पूछ सकते हो आप, साइबर से पकड़ा गया वो मेरा बेटा। फिर वो हमारे को एक माई मिली, वो स्वयं ने भेजी जी, मालिक ने भेजी, रामपाल जी महाराज जी ने, दोसा की। वो दोसा कहाँ, भिवाणी कहाँ है, चौकी में क्या लेने आई? वो स्पेशल हमारे लिए आई और उन्होंने कहा बेटा तुमने, तुम्हारा बेटा जीवाणा है ना, तो रामपाल महाराज जी के ले जाओ। तुम हंसने लगे, मैंने कहा हम तो राम रहीम से नामधारियाँ 26 साल से, और आप तो ऐसे ही करें, नाम नाम एक है, लेकिन हमें जब बाद में पता चला कि नाम में ही दिन और रात का अंतर है, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे हुए थे, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, आपको क्या बताऊँ मैं। ए महाराज जी हमें बख्श दो, आप हमें माफ कर दो, सही में हम बहुत निकम्मी आत्मा है। मेरा बेटा रस्सों से बांध कर ले जाना पड़ता था, और मेरा बेटा जिस दिन गया घर से 94 किलो वजन था, आप किसी पड़ोसी से पूछ सकते हो। राजेश चोटी वाला मेरा नाम था, राजेश दास नाम है, भिवाणी में हर आदमी जानता राजेश चोटी वाले को। मैंने सन 2009 में विधायक का इलेक्शन भी लड़ा कलानौर से, समस्त भारतीय पार्टी, मेरे को आम आदमी जानता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरे हल्के में नहीं जानता हो। उसके बाद में मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ओके, आज मालिक की दया से आया हुआ है, यहीं घूम रहा। उसके बाद से 3 साल से केस चला हुआ था मेरे बेटे का अपनी मिसिज के साथ, उनका कोई झगड़ा नहीं था, मेरा और मेरी समधन की थोड़ी तू तू मैं होगी थी, इसलिए हमारे बेटे 2.5-3 साल तक दूरी बनाए रखे। और हमने एक बार मैं जोधपुर सोया हुआ था, जोधपुर में कोई काम से गया था, तो महाराज जी से मैं सोच रहा मन मन में, महाराज जी क्या रहेगा पुत्र वधु का, और मैं तो दूसरी जगह रिश्ता भी देख लिया मैंने तो, और उसकी रमैणी करानी है। तो महाराज जी मैंने सुबह 4 बजे मैं है ना जी आरती सुनता हूँ, तो मैंने आरती सुनी, तो आरती सुन के जैसे नाम जप के मैं सो गया, तो महाराज जी 5 और 6 के बीच में मेरे पास आए। ये एक सच्चाई है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं हनुमान नहीं हूं जो छाती पाड़ के दिखा दूं, एक सच्चाई है ये, और मेरे साथ बीती हुई है, आप किसी से पूछ लेना। तो जैसे गुरुजी आगे एक तख्त पे बैठ गए सफेद, मैंने कुछ बातें करी घर की, फिर उन्होंने बोला अच्छा बेटा मैं जा रहा हूं, ये एक सच्चाई है बेटा जा रहा हूं। मैं बोला गुरुजी वो एक केस चल रहा है बेटे का और पुत्र वधू का, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे चूमे, नुबला निकम्मा बेटे की शादी मत कर देना, वही बहू आएगी। आज 3 महीने बाद 1 तारीख को फिर हमने नए साल पर 1 तारीख को फिर प्रार्थना लगाई गुरुजी से, और गुरुजी बोले कि बेटा मालिक दया करेंगे। और जिस दिन प्रार्थना लगाई, क्या तो हमारी पुत्र वधू कहती थी 1-2-3 मैं जाऊंगी नहीं, आई हुई है यहीं, अभी मेरे पोती भी हो रही है, बोले मैं जाऊंगी नहीं 1-2-3 चोटी वाले के घर नहीं जाऊंगी, मेरा चोटी वाला मेरा नाम था, आज तो मैं राजेश दास हूं, ठीक है जी। तो वो एक दिन 1 तारीख से जिस दिन प्रार्थना लगाई, उस दिन से वो नू कहने लगी, अब की मम्मी को बता रही है, मम्मी मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे आ गया मेरे अंदर जैसे कि मैं सारे कुंबे की कोड़ी भर भर के रो लूँ, हे परमात्मा बंदी छोड़ की। और 6 तारीख को
छः तारीख को भिवाणी कोर्ट में केस चलाया हुआ था, आप जाकर के आप तसल्ली कर सकते हो। लास्ट तारीख थी वो, उस दिन मेरे बेटे का और मेरी बहू का तलाक हो जाना था। मेरी बेटी से भी बढ़के है मेरी बहू, लेकिन वो छः तारीख को कोर्ट में आई लेकिन चैम्बर में नहीं गई जज साहब के, और वहीं बैठी रही। तो मैं उधर से निकला, भाई आए क्यों नहीं, तो मैंने फिर इनको बुला लिया। ये गाड़ी में बैठ गए थे जा कर क्या, मैंने इनको बुलाया, बहू आई हुई है मिलो, और बहू हमारे कोड़ी भर भर के रोने लगी, हे पति छोड़। और उसी दिन से अभी 12 तारीख को भी केस नहीं उठाया, 12 तारीख को केस उठा लेगी। उसी दिन हमारे घर आई, सीधी रसोई में चली गई, चाय पानी बनाया, हमारे लिए रोटी बनाई, पापा जी मेरे से गलती होगी, बहुत बहुत गलती होगी बेटा, मगर हमारे से भी गलती होगी, समय खराब था हमारा, अगर हम पहले गुरु जी के शरण में होते रामपाल महाराज जी के तो ये दिन नहीं आते हमारे पास, ये दिन नहीं आते, हम गलत साधनाएं कर रहे थे, राम रहीम जी की गलत साधनाओं के चक्कर में गिर रहे थे बेटा हम काल के। सर आप बता रहे थे कि राम रहीम जी के पास 26 साल रहे, तो राम रहीम जी ने कौन से मंत्र दिए थे आपको? सतपुरुष अकाल मूर्ख सबद सबरूपी राम, ये सभी काल के नाम बताते हैं जी, ये काल के नाम है ये। कि आपके गुरु जी कहते जो राम रहीम देते थे वो काल के नाम थे, तो संत रामपाल जी महाराज कितने मंत्रों का जाप देते हैं? ये भी वही देते हैं, लेकिन इनकी साधना में और उनकी साधना में दिन और रात का है, वो तो एक एक चीज वेद शास्त्रों को उठा उठा के ऐसे बताते उंगली, बेटा ये नूर ये नूर ये नूर बेटा। अरे गुरु जी तो टेस्ट ले लेगा बेटा, यहाँ भी पास हो जाओ, यहाँ भी पास हो जाओगे, जब मिलेगा सारा सौदा वहां तो जोड़ दिया, चलो पूरे परिवार को हमारे को सतनाम मिल गया, अभी हमारी पुत्र को तूने नाम नहीं लिया वो भी ले लेगी जी, सभी आई हुई है जी बहुत। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब आए तो आपको और क्या विशेष लाभ मिले? मेरे को तो ऐसे जी सबसे बड़ा तो ये मेरे घर मेरी बेटी आ गई जी, मेरी पोती आ गई, मेरा बेटा ठीक हो गया जी, हैं जी। और एक दिन तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई जी, अभी मैं जाया हुआ था जी नसीराबाद गया हुआ था, अभी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो अजमेर से वो मिस्त्री बुलाए जी, अजमेर से वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं आजकल, वो चेक करी तो उन्होंने कहा 25,000 रुपये का खर्चा है, मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं था उस टाइम, मैंने घर से पैसे मंगाए, मैंने कहा ये परमात्मा बंदी छोड़ ये क्या हुआ, मैंने कहा इनसे भगतवती से फ़ोन पे मंगाए, गुरु जी की कोई लीला क्या, अब तक कोई आदमी मरना हो आगे क्या, अब तक क्या होना हो, तो जी वो 4,000 रुपये में वो मिस्त्री खुद ही मान गया, उन्होंने 4,000 रुपये दे दो, वो खुद बोला वो मिस्त्री मेरे मुँह से अपने मुँह से बोला जी मेरे को 4,000 रुपये दे दो आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, नहीं तो मना कर रहा था स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, क्या क्या लाभ बताऊँ। उसके बाद मेरी साड़ी ने नाम ले लिया जी, मेरी साड़ी चारों हाथ पैरों से चलती थी डांगरों की तरह, जाकर के आप पूछ सकते हो आश्रम में भी आती है, अब वो लामणी करती है जी, बाजरे की गेहूँ की सारी चीज़ों की लामणी करी है जी उसने। देखिए आप और आपकी पत्नी दोनों आज यहाँ खड़े हैं हमारे कैमरे के सामने, सर राम रहीम जी के पास आपको कोई लाभ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आप उनको 26 साल तक पूछते रहे, और पता नहीं था जी हमारे प्लॉट है ना जी, हमारा मकान है जहाँ हमारे प्लॉट से 100 मीटर दूरी पे हमारे चाचा का प्लॉट है, उसमें भी आश्रम बनी गुरु जी की, तो ये माई आती थी बिला नाम ले लो पानी, समरसिबल लगा हुआ है हमारे घर में, भगत जी के घर में तो समरसिबल से छोटे वाला भगत पानी भर देता था ड्रामों में, लेकिन हमारे को ये मानीता माई वगैरह हमारी पड़ोसन है वो आती थी, बेटा भाई नाम ले लो तुम भाई, हम कहते थे हंसते थे नाम नाम सब एक, हमें नहीं पता था गुरु जी की तो लीला ही कुछ अलग है, नाम भी अलग है, पावर भी अलग है, सिस्टम भी अलग है, और राम रहीम के पास तो कुछ ना है जी, मूँगफली के फोतक भी कोनी। सर आपकी वाइफ खड़ी है बहन जी, जो आपके पति बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आपका बेटा भी ठीक हुआ, यानी संत रामपाल जी महाराज का जो मंत्र है आप कहना चाहते हैं शास्त्र के अनुसार है? हाँ जी शास्त्र के अनुसार है जी। राम रहीम जी जो मंत्र देते थे उनका नहीं शास्त्र अनुसार था? नहीं जी, बड़ा भाई था जी मेरा, मेरे से छोटा, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे है, तो उसकी भी पता नहीं जिसका क्या हो रहा था, एक्सीडेंट हो गया था एक बार, तो ऐसे ऐसे ना डिलती थी, उसको ड्यूटी से निकाल देते थे, अब उसने हमारे बाद उनने नाम ले लिया, वो बिल्कुल ठीक है परमात्मा। बहन जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई नाच गाना करवाते हैं, जैसे कि ये आपके पति जी बता रहे थे कि राम रहीम जी नाचते थे गाते थे, नाचने गाने में क्या बुराई है जो संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते हैं? बुराई है जी। क्या बता रहे सर आप? ये पहले राजे महाराजाओं के टाइम में हमारे गुरु जी बताते हैं वेश्याएं करती थी ये काम जो राम रहीम कर रहा है, ये नाचना गाना वेश्याओं का काम होता है, संतों का नहीं होता। सर जो आज भी राम रहीम जी के दरबार में फंसे हुए हैं, आज भी लोग कह रहे हैं कि आप, वो भी कह रहे हैं कि आज भी राम रहीम जी हमारे पूर्ण पिता हैं, वो पिताजी कहकर बुलाते हैं, देश क्या देना चाहेंगे उनको जो आज फंसे पड़े हैं उनको? संत रामपाल जी स्वयं मालिक आए हुए हैं और जल्दी जल्दी आ जाओ, आना पड़ेगा जी उनको, आएंगे वो सभी आएंगे, सभी आएंगे। हमने एक डेढ़ महीना नाम लिए हुआ था जी, हमारे घर पड़ोस में राजपूतों का मकान है, मेरे चाचा जी लगते हैं वो, तो उनके छोटे छोटे कुत्ते हैं जी पिल्ले,
पिल्ले थे, तो जैसे मैं गाड़ी निकाल रहा था, सुबह गाड़ी निकाली मैंने बलोरो, तो वो बलोरो के नीचे बैठा हुआ था जी। सच्चाई आप जाकर के पता कर लेना, क्योंकि अनजान भगत भी हैं जो मोबाइल पे देखते होंगे। पहले मैं भी सोचता था कि दिहाड़ी देते हैं रामपाल जी महाराज जी इनको 500 रुपये या 400 रुपये जब ये बोलते हैं, मैं टीवी देखता था। तो आज मैं बोलता हूँ कि मेरे को क्या दिया, मेरे को तो इतना कुछ दे दिया, मेरे भंडार भर दिए रामपाल जी महाराज ने, तो उन लोगों के भी भंडार भर दिए, इसीलिए बोल रहे थे वो लोग है जी। तो वो पिल्ला मेरी गाड़ी के नीचे आ गया जी, उसके मुंह में खून आ गया जी, मुंह से ऐसे ऐसे करके वो नीचे गिर गया। तो गिर गया तो जी वो मेरी चाची और चाचा दोनों आ गए जी, नारायण नंबरदार नाम है भिवानी का है वो, ठाकुर नारायण सिंह नंबरदार, दोनों आ गए। वो मेरा चाचा मेरी चाची को गाड़ी देने लगा बहुत जोर जोर की। मैं बोला चाचा परमात्मा दया करेंगे आप इसको, मेरी चाची को गाड़ी मत दे, इसको अंदर रोक के नहीं रखती वो नहीं। तो मैं अपनी गुड़िया एक एम कॉम कर रही है, मैं उसको बोला बेटा इसको दूध ला दे, नूली पापा जी मर गया ये। मैं बोला अमृत जल ला दे तो गुरु जी का दूध में मिला के, तो वो दूध में जैसे एक चम्मच डाला का का करके वो उठ लिया। आज वो कुत्ती इतनी हो रही है, सच्चाई है ये। मैं उसके बाद में जनवरी में एक जी भैंस ले आया मैं, भैंस तो उसके जूण हो रही थी जी, काटड़ी थी छोटी, काटड़ी थी उसका जूण हो रही थी, हमारी हरियाणवी भाषा में जूण बोलते कीड़े को। तो मेरे को एक पड़ोसी बोला इसको तेल दे दे, तो एक भैंस का सूआ आता है जी बड्डा इतना मोटा, मैं वो सुआ भर भर के 2-3 बार तो दे दिया 2-3 दिन, तो वो ठीक लगने लगी। एक दिन मैं शाम को भगतमती को बोला कि तू इसको तेल दुबा दे यार, ये चर नहीं रही, इसकी आंखों में डीड आ रही है। जैसे मैंने उसको तेल का सुआ भर के दिया ना जी, उसकी सांस वाली नलकी में चला गया। तो मेरे दिमाग में आ गई जी, मैं अमृत जल ले आया थोड़ा सा पानी में और मैंने उसके मुख में डाला जी। वो जो तेल था ना जी, वो जो भाई जानते भैंस पालते, उसकी सांस वाली नलकी में चला गया जी वो तेल। और मैंने डॉक्टर के पास भी फोन कराया, डॉक्टर बोला ये मर गई भाई। तो मैंने जैसे उसके अमृत जल डाले, आज वो मेरे घर इतनी बड़ी है जी, और सबसे अलग है वो काटड़ी परमात्मा की, सतगुरु राम। हाँ जी, और एक और है जी, मेरे चाचा की लड़की का 2.5 साल से जी नकुआ लगा हुआ था, वो भी राम रहीम के शिष्य थे जी 28-30 साल से, वो मेरे से भी पहले से हैं। उसके बाद में 2.5 साल 6 महीना जिंदल हॉस्पिटल में रखी है, जाकर के जिंदल हॉस्पिटल में पता कर सकते हो मेरे चाचा का। उसके बाद में 2.5 साल में मरता क्या नहीं करता, कहाँ कहाँ नहीं ले जाता, अभी आपको सबको पता है ये। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी मौसी की लड़की की शादी थी 12 नवंबर की, मैंने वहाँ मेरी चाची आई हुई थी, कुछ हमारा डिस्प्यूट चला हुआ था, तो मैंने मेरी चाची को बोला चाची इधर आ जा, ब्याह होने दे, आप ही सत्संग करते हैं मालिक का। तो जैसे मैंने मेरी चाची से पूछा चाची बेबे ठीक है क्या, बोला ना भाई, मैं बोला इसको रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में लिया और राम रहीम का पंड छोड़ दो, ठीक रहवांगे, जी जावांगे आप ही। तो अनुली भाई तेरे चाचा को समझाना। एक दिन फिर मेरी गाय खूगी जी, मैं ढूंढ रहा था मेरी गाय खूगी, तो मैंने सोचा गाय तो पा जाएगी, पहले सत्संग कर लेना गुरु जी का वहाँ जाके। मैंने अरदास लगाई, मैं मोटरसाइकिल पर था, गुरु जी आप गाय ढूंढ के लाओ, मैं आपकी चर्चा करके आता हूँ, मैं इतना सवार थी हूँ, मैं गुरु जी को भेज देता हूँ कहीं भी मेरे काम, ये सच्चाई है जी। तो जैसे कि 3 रोज हो गए थे गाख हुई हुए, मैं चला गया, मेरे चाचा मिल गए, मेरे चाचा भी बोला भाई शाम को चलेंगे, मैं शाम को ले आया जी उसको नाम दीक्षा केंद्र ले जाके, गुरु जी को जहाँ मैंने ले गया स्थान पर, वहाँ मैं रेडी, वो नहीं होती स्टेचू से रेडी रिक्शा, उसमें लेके गया। उसके बाद क्या हुआ, आज उन्होंने 3 महीने नाम लिए हुए हैं, अभी सतनाम नहीं मिला है। वो मेरी बेबे खुद नहा लेती है और खुद बताती है, और 100-150 मीटर 200 मीटर अपने आप चलती है डंडी से, सच्चाई है। पालवास गांव में आकर के महेंद्र का मकान पूछ लेना किसी से भी, राजेश चोटी वाला भिवानी में किसी से पूछ लो, आश्रम में पूछ लो, जाकर के देख लो अपनी आँखों से। सर बहुत लोग आज फंसे हैं अन्य संतों के पास, तो सर क्या कहना चाहेंगे उनको जो आज भी दुखिया थे, बहुत भी दुखी हैं आपकी तरह, जिस तरह आप दुखिया थे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को आप? मैं तो क्या संदेश दूंगा जी, परमात्मा का एक बहुत छोटा सा दास हूं जी, मैं तो ये कहता हूं नकली संतों को छोड़ दो, स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। और मैं भी बोलता था, मैं भी इतनी निकम्मी आत्मा था कि दूध में नाई उड़ी खीर खाया है, रामपाल की जलेबी खाया है, ये परमात्मा एक आज एक 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 वो मुँह हमारे को भी दे जाओ, हमारी गति हो जाएगी, सही में सच्चे बात है ये। बहुत बहुत हाँ जी, सत साहे बंदी छोड़।